हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और आपको नवरात्रि के दूसरे दिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे ये जो दिख रही ना क्लिप, यहाँ पे ये मॉर्निंग का है, बच्चे स्कूल जा रहे थे तो यहाँ पे मैंने उनके लिए मोमोज बना दिए थे और बॉर्नविटा मतलब स्कूल जा रही थी, बॉर्नविटा दे रही थी, दूध पी के जाएंगे। तो उधर मैं बना रही थी, इधर डिंकी सुबह ही मॉर्निंग में पूजा कर रही थी क्योंकि पहला दिन है उसको बहुत मतलब। एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल नंदा राउंडर। तो है ना, आज है आज नवरात्रि है, आज से स्टार्ट हो गई है। और आज सबको, सब बहन भाई को, जो यूट्यूबर सब फ्रेंड्स है सबको, है ना, आज मेरी तरफ से नवरात्रि की पहले दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत से लोगों ने तो सुबह और शाम का भी व्रत रखा होगा, और मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मतलब पहले रखती थी, अब नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे से है ना नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाना, काम करना, पानी भरना, ये बना तो चक्कर सा आ जाता है, बी पी लो हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं रखी हूँ। तो और है ना, आज पता है क्या हुआ, वैसे पूजा वगैरह सब कर लेती हूँ लेकिन व्रत नहीं रखती हूँ। और आज पता है क्या हुआ, सुबह ही मॉर्निंग में पता नहीं इतने अच्छे कल फूल खिले थे गुलाब के, तो एक कल एक डिंकी ने तोड़ लिया था। संडे के दिन पूजा की थी, मंदिर वगैरह साफ कर लेते तो। और आज है ना सुबह ही गेट खोल के पता नहीं कौन, मतलब हमारा इतना अच्छा, मैं सोची थी आज है ना माता को चढ़ाऊँगी, लेकिन कौन चुरा के ले गया पता नहीं, इतना सुंदर खिला था, इतना बड़ा बड़ा, तो हो सकता है मेरा मतलब मेरे नसीब में नहीं होगा। तो वो कल मैंने डिंकी को डांटा था, अच्छा और डिंकी ने कल चढ़ा दिया था, नहीं तो मैं बोल रही थी कि नवरात्रि के दिन ही अपन चढ़ाएंगे क्योंकि तोड़ा तो, लेकिन कल जस्ट खिला और आज इतना बड़ा होने वाला था, तो पता नहीं कौन लोग है, यही वही मतलब वो होंगे हम सुबह। लेकिन डिंकी और मैं तो 5 बजे उठ जाते हैं, तो पता नहीं आवाज़ नहीं करके ले गए, बहुत दुख हुआ, ताकि वो फूल, मैं आज सोच रही थी कि माता को चढ़ाओ, चलो उनके नसीब में होगा, कोई बात नहीं। तो बस ये कुछ ही है। तो ऐसे भी लोग व्रत रखते हैं लेकिन चुरा, अरे मांगना चाहिए ना, मैं तो मांगने से मैं तो दे ही देती हूँ, बहुत से लोग ऐसे मांगने आते हैं तो मैं दे देती हूँ, तो ऐसा कुछ हो गया है, कोई बात नहीं। तो मैं सोची चलो आपके साथ शेयर कर लूँ, मुझे बहुत मतलब सुबह से मैं ना बहुत उदास थी, मुझे जब इन्होंने सुबह 7 बजे बोला कि अरे फूल तो है ही नहीं तोड़ने गई दिन की पूजा करते वक्त, तब तो ठीक है फिर। और अभी मैं लंच कर लूँगी, और मैंने आज हेयर वॉश किए हैं, और मैंने केले का है ना पैक लगाया था, तो देखिए कितने सिल्की और मस्त लग रहे हैं ना। तो ठीक है फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो सब लोग जाएंगे अब माता जी के झांकियाँ देखने, मैं भी देखती हूँ, बनेगा तो जाऊँगी, नहीं तो देखते हैं। डिंकी चाय बना रही है, एक ही इलायची डालना, तो मसाले वाली चाय बना रही है डिंकी, देखिए ये अच्छे से ठेस के डाल, इलायची और मज़ा आ जाएगा आज चाय पीने में, इसी में रखना, अच्छे से ठेस के डालो दूध, वाह 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 वाह। तो गाइस यहाँ पे आ जाइए आप भी डिंकी के हाथ की इलायची वाली चाय पीने के लिए, ला में डाल देते ओके, फिर उसका स्वाद नहीं आएगा, इसी में रख, बात की बांध के रखना। तो ये है, और अभी मुझे शाम को है ना वो भोलेनाथ पे दूध चढ़ाने के लिए भी जाना है, सुबह इनको बोली थी चलो, तो ये बोल रहे थे शाम को जाएंगे, तो अभी जाती हूँ। मेरा फिर बहुत डल हो गया, क्या करे, टेंशन के मारे है कि क्या है पता नहीं। तो फाइनल ऐसा दिख रहा है भाई, मैंने कागज़ वगैरह चेंज किया, अभी पोताई तो नहीं की, ये देखिए इधर भी सब डिब्बे पूरा ये हो गए हैं। तो ठीक है गाइस, ए वो मत डाल, गले में ये होगा ना, मसाले वाली चाय बना, ये डालना, ये वाला कड़क लंबा क्या बोलते हैं उसको, खड़ी नहीं नहीं वो डंडा वाला, हाँ लकड़ी, पता नहीं काय की, तो अब मत डालना नहीं तो चाय फट जाएगी। तो ठीक है मैं मिलती हूँ आपको चाय के साथ, और वो भी कौन सा चाय, मस्त मसाले वाला, क्योंकि अभी मैं हैब्रो वाली आ गई थी तो मैंने उनसे, और यहाँ देखिए सो गए, परी तो बिल्कुल आते से ही सो जाती है, वो थक जाती है सुबह 5 बजे से, बच्चे जब उठते हैं ना, आजकल परी भी जल्दी उठने लगी, लेकिन डिंकी का तो डेली 4 बजे उठ ही जाती है। तो मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर में मैं दूध आपको बताया था ना, जैसे कि दूध चढ़ाने, अगर चढ़ाने देंगे तो बोले, ये पास में एक बार भी आपको शेयर किया था, जो मैं सावन में गई थी वही मंदिर में, और माता जी का भी यहाँ मंदिर, हो सके तो वहाँ पर भी चल जाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ,
तो फिर उधर से आके प्रसाद भी बना लूँगी मैं घर में। तो बस अभी आपको बता दिया है, तो अब मिलती हूँ मैं मंदिर। और मैं बिना चप्पल की जा रही हूँ, देखिए। और मैं पहले है ना, जब शादी के पहले 9 दिन ही मैं बिना चप्पल के रहती थी, और यहाँ आई तब से भलाई मैं पहन लेती हूँ, लेकिन पहले बिना चप्पल की रहती थी। फिर मिलती हूँ आपको बाद में। हाँ, पैर लगेंगे। तो ये देखिए, हम लोग है ना माता के मंदिर में जा रहे थे, और मैं बिना चप्पल के जा रही थी। और पता है मुझे माता के मंदिर में जाके ना, मतलब रोना सा आ गया था, और ऐसा कुछ पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था। तो और ये देखिए, हम लोग है ना मंदिर आ गए थे, तो जस्ट मतलब अभिषेक हो गया था माँ का। और हम लोग वैसे तो शिव जी के इसमें है ना दूध चढ़ाने गए थे, क्योंकि ये सांप वाप दिखते रहते थे ना, तो हम लोग बोल रहे थे कि चलो एक बार और दूध चढ़ा देते हैं। तो ये भी दूध चढ़ाने आ गए थे मतलब के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि अभी शाम को नहीं चढ़ाते, तो हमने ऐसे रख दिए थे फिर। और यहाँ पे ये देखिए, घट स्थापना हो गई थी मंदिर की, और बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रौनक, मतलब आने का मन ही नहीं हो रहा था मेरा। तो ये देखिए, एक ही मंदिर मतलब नज़दीक ही है। और ये देखिए, यहाँ पे हनुमान जी का भी है, राम सीता जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पे मैं दुर्गा माँ की आरती कर रही थी, और मैं ऑयल वगैरह सब ले गई थी, तो यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे ना अचानक से मुझे ना इतना रोना आ रहा था, मैं बोली कि पता नहीं क्यों। तो और हम मतलब अभी तो भीड़ कम है, क्योंकि हम जल्दी दिन में ही चले गए थे, फिर उसके बाद बहुत सारी ये हो गई थी। और ये देखिए, फिर ये उधर से आके हमने डिनर बनाया, बीच में लाइट चली गई थी ना, तो समझे नहीं कि कितनी लाल मिर्च डालना है। तो ये देखिए, मुझे लगता है तीखी सब्जी बहुत हो गई होगी, लेकिन नहीं हुई थी। और इतने अच्छे आलू बैंगन की कि जैसे कि शादी वाले जैसी लग रही थी, तो बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो हम लोगों ने मंदिर से आके फिर खाना बना लिया, और ये कढ़ाई पूजा हलवा पूजा के लिए हलवा बनाया था, मतलब भगवान जी को दे देने के लिए, तो वो भी बन गया था। और ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है, आज का दिन था, तो मतलब दूसरे दिन, जैसे आज मैं ये कर रही हूँ ना वॉइस, और आज जैसे अपलोड कर रही हूँ, तो ये आज का ही था। तो यहाँ पे मैं ना उपमा बना रही बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि डेली मेरी बच्चियाँ क्या है, टिंकल भी जाता है, तो इन लोगों को ना डेली पराठा और सब्जी नहीं चाहिए। तो इन लोगों के लिए है ना, कभी ये बोलते मोमोज, कभी उपमा, कभी पोहा, कभी आलू का पराठा, कभी सब्जी रोटी, सब्जी पराठा, लेकिन रोटी नहीं ले जाते। तो मुझे तो यहाँ पे उपमा बन रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी, और फर्स्ट जो आए सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।